नमस्कार मेट्रो मॉर्निंग को स्वागत करछि मु शुभश्री। संशोधित जीएसटी बिल को नै सोमवार लागिला संसदरे मोहर। राज्यसभा रे 11टी संशोधन सह गृहीत होइतिबा ए जीएसटी बिल को पूर्णि थरे लोकसभा रे गृहीत पई उपस्थापना करा जाइथिला। एहा को नै एक आलोचना कार्यक्रम करा जाइथिला जेउथिरे खोद प्रधानमंत्री जोग देथिले। तेबे संशोधित प्रस्ताव उपरे निम्न सदन रे आलोचना होइथिला। बहु प्रतीक्षित जीएसटी संबंधित सांविधानिक संशोधन नियम को नहीं सोमवार संसदर मोहर लगी। राज्यसभा 11टी संशोधन सह गृहीत होता यह जीएसटी बिल एवं पुणी थे लोकसभा उपस्थापित करदनर सहमति आवश्यक रही नियम को नहीं एक आलोचना कार्यक्रम रही। कार्यक्रम में खोद प्रधानमंत्री अंशग्रहण करने को प्रस्तुत अच्छा। देश में अप्रत्यक्ष कर पर टैक्स व्यवस्था जीएसटी लागू कर रास्ता उन्मुक्त करने संविधान 122वां संशोधन करा जाउछि। लोकसभा रे एही नियमर मूल स्वरूप को 2015 मे रे उपस्थापित करा जाइथिला। गत सप्ताह रे एहाको 11टी संशोधन सह राज्यसभा रे सर्वसम्मत रे गृहीत करा जाइथिला। 1991 परे एहाको सबुठारु बडा आर्थिक सुधार बोली कह जाउछि। तेबे लोकसभा रे जीएसटी बिल को नि अर्थमंत्री अरुण जेटली कहिथिले एही बिल गृहीत हेबा द्वारा समस्तक लाभ मिलिबो। एही बिल द्वारा अनेक प्रकार टैक्स रो मुक्ति मिलि परिबो। तेणु यह गृहीत करने समस्त राज्यर सहमति हासिल करने को प्रयास बिल द्वारा टैक्स से जटिलता को दूर करेशन नेशन वन टैक्स व्यवस्था लागू करा जीवा उचित। यही बिल लोकसभा मंजूर होगा समस्त राज्यर विधानसभा गुड़िकृहत हो सरकार विपक्ष दल सह सहमति संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार कर तेज लोकसभा जीएसटी बिल गृहत होगा एक ऐतिहासिक अवसर भी कह। सोमवार अनुष्ठित होइजाइछि राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक। एथिरे 14टी प्रस्ताव को कैबिनेट रो अनुमोदन मिलिछि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायकंक अध्यक्षता रे सचिवालय रे एही बैठक बसिथिला। एहास ओडिसा भाषा आईन 1954 रे संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिलिथिला। सोमवार अनुष्ठित हो जाए राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक। यही बैठक में 14टी प्रस्ताव उपर आलोचना होगा से सबको कैबिनेट अनुमोदन मिलता। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतार सचिवालय बैठक बसी ओडिसा भाषा आईन 1954 संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिलला। गत किछि मास धरी चली भाषा आंदोलन परिप्रेक्षी में प्रस्ताव बेस गुरुत्व बहन कर कलिंग शिक्षा साथी योजना को अनुमोदन देवापर उच्च शिक्षा पर 1% हार से शिक्षा ऋण मिल। ओडिशा विद्युत शुल्क आईन 1964 और ग्राम पंचायत आईन 1964 संशोधन ओडिशा खनिज उत्तर निगम प्रतिष्ठा ओएमसी जरिया शिल्प संस्था को खनिज पदार्थ जोगान एवं पुंजी प्रत्याहार ने कैबिनेट कमिटर पुनर्गठन भाई प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में उपस्थापित होते से सबको कैबिनेट अनुमोदन मिलता सूचना मिली। यहसह खाद्य सुरक्षा आईन आधार में राज्य सरकार प्रस्तुत करोल अर्डर दुईट धारा संसद प्रस्ताव में कैबिनेट मोहर लगी। रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो। राइट टू कैंपेन पक्षरु सोमवार एक विक्षोभ सभा अनुष्ठित होइथिला। नगडा शिशु अपपुष्टि जनित मृत्यु घटना को नहीं एक कैंपेन विक्षोभ प्रदर्शन करथिला। एथिरे राइट टू फूड कैंपेन राज्य सभापति प्रदीप प्रधान को समेत अन्यान्य कर्मकर्ता माने जोग देथिले। नगडा शिशु अपपुष्टि जनित मृत्यु घटना को केन्द्र करि राइट टू फूड कैंपेन पक्षरु सोमवार दिन विक्षोभ प्रदर्शन करै जेथि। यह विक्षोभ में राइट टू फूड कैंपेन राज्य सभापति प्रदीप प्रधान जोग देते। से संपर्क में कही नगड़ा ग्राम से पृष्टिहीनता मृत्यु पर प्रशासन तरफ आरंभ हो विभिन्न कार्य जीवांगवासी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने जथेष नुह। ए राज्यपाल को यह संपर्क में एक दावीपत्र प्रदान करते। विक्षोभ में राज्य सरकार विरोध में नाराबाजी कर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करने को पुलिस कर्मी निजुक्त कर। यह विज्ञापन राइट टू फूड कैंपेन राज्य सभापति प्रदीप प्रधान कालंदी मल्लिक अनंत दास आईनजीवी सुधीर महांति भाई प्रमुख व्यक्ति माने जोगदे विक्षोभ को तीव्रतर करते। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अमूल्यों सह मौसमी रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो।
छत्तीसगढ़ प्रकल्प अनुध्यान भुवनेश्वर छत्तीसगढ़ अभिमुखे बीजेडी टीम छत्तीसगढ़ में महानदी उपरे निर्माणाधीन प्रकल्प गुड़िकर अनुध्यान करने राज्यसभा सांसद प्रसन्न आचार्य अध्यक्षत गठित बीजेडी 12 जनिया कमिटी सोमवार भुवनेश्वर छत्तीसगढ़ जाता। एक कमिटी समस्त स्थिति अनुध्यान करने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देव। छत्तीसगढ़ महानदी उपरे निर्माणाधीन प्रकल्प गुड़िकर अनुधान करने सोमवार भुवनेश्वर राज्यसभा सांसद प्रसन्न आचार्य अध्यक्षतार गठित बीजेडी 12 जनिया कमिटी छत्तीसगढ़ जाता। कमिटी सोमवार भुवनेश्वर जा झारसुगुड़े रहा मंगलवार से छत्तीसगढ़ अभिमुखे जीव। मंगलवार एक टीम अरब प्रकल्प अनुधान कर और तापर बिलासपुर छत्तीसगढ़ सरकार जल संपद अधिकारी आलोचना करार कार्यक्रम रही। अगस्त 10 तारीख में एक टीम विवादीय केलो प्रकल्प सहित महानदी पर होता सातटी निर्माणाधीन ब्यारेजर स्थिति अनुधान करार कार्यक्रम रही। एने छत्तीसगढ़ सरकार मौखिक अनुमति मिली सांसद प्रसन्न आचार्य कहते। बीजेडी गठन कर 12 जनिया टीम रे मंत्री देवी प्रसाद मिश्र, अर्थमंत्री प्रदीप अमात, पश्चिम ओडिशार वरिष्ठ नेता मंगला किसान, पश्चिम ओडिशा विकास परिषद सभापति किशोर महांति, पूर्वतन मंत्री पद्मनाभ बेहरा, युवा बीजेडी सभापति संजय दास वर्मा, रेढ़ाखोल विधायक रोहित पूजारी, कृषक मोर्चार आवाहक सुशांत सिंह, बीजेडी मुखपात्र प्रताप देव, पूर्वतन मंत्री प्रमिला मल्लिक और संबलपुर विधायिका राशेश्वरी पाणिग्राही प्रमुख सदस्य अच्छा। कमिटी स्थिति अनुधान करने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देव। एस सोमवार एक तीन जनिया प्रतिनिधि टीम छत्तीसगढ़ प्रकल्प स्थिति अनुधान पर छत्तीसगढ़ जाता। सेठे ईब नदी में छत्तीसगढ़ आनिकेट निर्माण योजना संपर्क में तथ्य हासिल करता। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी ब्यूरो। मेटो मॉर्निंग रे समय होची एक ब्रेक रो ब्रेक परे देखिबा आउ किछि खबर। आमे प्रतिदिन निजकु प्रस्तुत करिथौ विभिन्न काम पई हेले दुर्घटना दुर्घटना पई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती। खास सेथि पई आमे सबु बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर प्रेजेंटिंग माइंड बॉगलिंग 7-डे मूवी एक्सपीरियंस एट भवानी मॉल भुवनेश्वर। Avail special discount on group booking. Visit today. Attitude Business School एक निर्भरजोग्य शिक्षानुष्ठान आपमनन पई आनी दिछि अनेक गुडी पाठ्यक्रम। एडमिशन पई तुरंत जोगाजोग करंतु BS1 अमृता कॉम्प्लेक्स CRPF स्क्वायर भुवनेश्वर। फोन नंबर 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discount throughout the year. ब्रेक परे स्वागत। केंद्र सरकारी कर्मचारियों पाई खुशी खबर। एणिक सप्तम वेतन लागू होगा पर कर्मचारी को सर्वनिम्न पेंशन आकार रे 90,000 टंका मिलिब। 3,500 टंकारु वर्धित होई एहा वर्तमान 157.14% सर्वाधिक होईछि। सप्तम वेतन आयोग सुपारिश लागू होगा पर केन्द्र सरकारी कर्मचारी को एवं 9,000 टंका सर्वनिम्न पेंशन मिले जहाँकि सर्वनिम्न 3,500 टंका वर्धित हो 157.14% सर्वाधिक होई। जन अभियोग पेंशन मंत्रालय पेंशन पर वेतन आयोग सुपारिश को स्वीकार कर ए संपर्क एक अधिसूचना जारी कर। वर्तमान केन्द्र सरकार पाखापाखि 58,00,000 पेंशनधारी कर्मचारी अच्छा। मंत्रालय कहिबा अनुसार वर्तमान पेंशन रे सर्वनिम्न राशि 9,000 टंका रे वर्धित होई ता 1,25,000 पर्यंत बढ़ी। सरकार को अधिकतम वेतन 2017 जनवरी 1 रु 2,50,000 टंका वर्धित है। केंद्र कर्मचारी मानक ग्रेच्युटी एवं मृत्यु परे मिलिबा कुथिबा ग्रेच्युटी राशि सर्वाधिक 2,000,000 पर्यंत रहिबो। ग्रेच्युटी राशि सर्वनिम्न 1,00,000 रे वर्धित होई वर्तमान यह सर्वाधिक 2,00,000 टंका पर्यंत वर्धित होई। वेतन आयोग ग्रेच्युटी उपर 25% वृद्धि पाई जहाँकि महंगा भत्तार 50% पर्यंत सुपारिश करा जाइछ। केंद्र सरकार एहि प्रस्ताव को सुपारिश करिछन्त। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी ब्यूरो। सोमवार ऑल इंडिया डीएसओ पक्षरु एक रैली अनुष्ठित होबा सह विक्षोभ प्रदर्शन करा जायतिला। एथिरे कॉलेज छात्र छात्रिंक सुरक्षा तथा निरापत्ता जोगाई देबा पई सरकारक निकटरे दाबी करा जायतिला। एहा सह अन्यान दाबी संपर्क रे मध्य एई रैली रे उल्लेख करा जायतिला। कॉलेज गुडा कर देखिबा अनार अधिक समस्त कॉलेज
কলেজ ছাত্রছাত্রী নিরাপত্তা যোগাই দেওয়া অল ইন্ডিয়া ডিএসও পক্ষ পিএমজি ছকঠার সোমবার এক র্যালি অনুষ্ঠিত হওয়া সহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা যাই। এই বিক্ষোভে অল ইন্ডিয়া ডিএসও রাজ্য সভাপতি যোগ দিয়েছিল। এই বিক্ষোভে তুরন্ত যুক্ত দুই পুস্তক যোগাই দেওয়া, সেলফ ফাইনান্স কোর্সর ফিজ কু হ্রাস করা ও সমস্ত কলেজ কলা বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ খোলার রাজ্য সরকার নিকটে দাবি করা যাই। এসব সমস্ত কলেজ ছাত্রছাত্রী নিরাপত্তা যোগাই দেওয়া এতে দাবি করা যাই। সেখানে সুরক্ষা ব্যবস্থাকে কড়াকড়ি করা পুলিশ কর্মচারী মানুষ নিযুক্ত করা যাই। এই বিক্ষোভে অল ইন্ডিয়া ডিএসওর রাজ্য সভাপতি শিবানী সাহু, মানসী দাস, রাজীব করসহ অল ইন্ডিয়া ডিএসওর অন্যান্য কর্মকর্তা যোগ দিয়েছিল। ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন অমূল্যাঙ্ক মৌসুমী রিপোর্ট, মেট্রো টিভি ব্যুরো। বেলুচিস্তানর রাজধানী কোয়েটারর এক সরকারি হসপিটালে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে 53 জনক মৃত্যু হয়েছে বেলে 30 অধিক লোক আহত হয়েছে জনাপড়ছে। আহতঙ্কু স্থানীয় এক ডাক্তারখানায় ভর্তি করা যাইছে। পাকিস্তানর বেলুচিস্তান প্রদেশর রাজধানী কোয়েটারে এক সরকারি হসপিটালে সোমবার সকালে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে প্রায় 53 জনক মৃত্যু ঘটিছে বেলে 30 অধিক লোক আহত হয়েছে জনাপড়ছে। আহতমানঙ্কু স্থানীয় ডাক্তারখানায় ভর্তি করা যাইছে। বোমা বিস্ফোরণ পরে ঘটনাস্থলের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে কড়াকড়ি করে দিয়া যাইছে। এই বিস্ফোরণের কিছু ঘন্টা পূর্বর বেলুচিস্তানর বার আসোসিয়েসনর বিলাল অনবর কাসিঙ্কু কিছু অজানা ব্যক্তি গুলি করে হত্যা করেছিলেন। ঘটনাস্থলরে হি তাঙ্কর মৃত্যু ঘটিছিলা। বর্তমান পর্যন্ত কোনসি আতঙ্কি সংগঠন এই বিস্ফোরণ পাই নিজকে দায়ী করে না। তবে পাকিস্তানর প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ কোয়েটা বিস্ফোরণকে নিন্দা করেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, মেট্রো টিভি ব্যুরো। অধিক জাঁয়া লগ্ইন করতু আমার ওয়েবসাইট www.metrotvbureau.com। নমস্কার।